वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द रूरल पुअर एंड पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल, इसके अंडर कितने स्टेट्स के ऑप्शंस हमें गिवन है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। हमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब और बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग जो हैं, वो किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है, देखो राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया में जब भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन होता ना, मींस गरीबी पता, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, जब ये पूछा जाता है गरीबी क्या है, तो उसको किस माप पे मेजर करते हैं, दैट इज इनकम और कंजम्पशन। हमारे इंडिया में पहले तो ये था उस पे था, इनकम बेस्ड पे था, कैलोरी बेस्ड मॉडल अब ऑप्ट कर लिया गया है, ताकि जिन लोगों के इनकम या कंजम्पशन से लेवल के जो लेवल्स हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे, मतलब बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, जितनी हमारी पर कैपिटा इनकम निकल रही है वो सभी कम कमा रहे हैं, तो दैट इज दैट पर्सन सेड टू बी अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब वो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है। पॉवर्टी लाइन को अगर कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से किया जाता है, नीति आयोग उसको कैलकुलेट करता है। नीति आयोग हमें पता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है 1 जनवरी 2015 को। बार बार ये फैक्ट्स जब हम रिपीट करते हैं ना तो याद हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली आपको इस चीज का भी फायदा रहता है ये लेक्चर लगाने का, कि प्रीवियस कंसेप्ट जो है या अगेन उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रेपिटेशन से याद भी हो जाती है और आपको साथ साथ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाती है। तो नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करते हैं इंडिया में? नीति आयोग। ये भी एक और क्वेश्चन हमारा बन गया। यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का जो डाटा कैप्चर करते हैं, जो सर्वे करते हैं, जो डाटा पूरा का पूरा बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स किसके पास होते हैं? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो अब NSO बन चुका है। क्यों? क्योंकि CSO और NSSO को मर्ज कर दिया गया 2019 में, इनका मर्जर हुआ था। अब NSO जो है वो किसके अंडर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। तो कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। पहली बात, पॉवर्टी किस लेवल पे देखी जाती है? कैलोरी बेस्ड मॉडल पे देखी जाती है। दूसरा, पॉवर्टी एस्टिमेशन कौन करता है? नीति आयोग करता है। अब जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है उसके लिए डाटा कौन कलेक्ट करता है? NSO करता है। NSO किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें ना, वर्ल्ड बैंक यानी IBRD और IDA, उसके अलावा पांच ग्रुप्स कौन, मतलब ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में पांच सदस्य कौन से हैं? ICSID, IFC एंड BIGA। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ ना तो ट्राई की आप फटाफट उसके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट याद कर लो कि उसके ये आंसर आते हैं। तो पॉवर्टी जो है ना, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये है कि लो इनकम्स एंड अबिलिटी टू inability to acquire the basic goods, आप अपने minimum basic needs, जिसमें sanitation आता है, shelter आता है, food आता है, clothing आता है, education आता है, health आता है, अगर इसको भी हम नहीं पूरा कर पा रहे तो it means we are poor। Poverty line का मतलब क्या है? Poverty को measure करने के लिए जो standard है, specifying the minimum expenditure or the income to purchase the minimum needs goods, जो गुड्स बेसिक सर्विसेज वाली होती है, मिनिमम नीड्स वाली होती है, उसको परचेज कर लो तो उस पर एक लाइन बना दी जाती है, दैट इज पॉवर्टी लाइन। उससे नीचे अगर कोई आता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। पॉवर्टी लाइन बास्केट का मतलब, PLB जो है ना, इसका कंसेप्ट ये बताता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आती है। मतलब PLB का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका ग्रुप, उसकी बास्केट, उसको पॉवर्टी लाइन बास्केट बोलते हैं। पॉवर्टी रेशो की अगर बात की जाए तो दैट इज आल्सो नोन एज हेड काउंट रेशो। इसमें ये आता है पॉवर्टी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज हेड काउंट रेशो या पॉवर्टी रेशो। सो पॉवर्टी का तो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ लिया है ना। अब इंडिया में कौन कौन से एफर्ट्स लिए गए हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी को खत्म करने के लिए? देखो इसके लिए कुछ अब जैसे ये स्कीम्स हैं, स्कीम्स के नाम अगर आपको याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पेपर में पता लग जाएगा कि ये स्कीम इज रिलेटेड टू द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सबसे पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, ये हमने लास्ट लेक्चर में करी थी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है ताकि पर्सन जो है वो एम्प्लॉयमेंट ले सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत स्कीम एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो ये जो स्कीम्स बनाई गई हैं ये किस चीज के लिए है? रूरल पॉवर्टी को या पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की, अर्बन पॉवर्टी बेसिक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स हैज बीन अडॉप्टेड इन इंडिया। हमारे इंडिया में तो भाई कौन सा सिस्टम है, कौन सा एक्सचेंज रेट है हमें वो बताना है। हमारे इंडिया में मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, आवर इंडिया हैज अडॉप्टेड द मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। सो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? आप रुपी को डॉलर में मेजर कर लो, मतलब फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो 1 डॉलर कितने का है जी, एस्टिमेटेड 75.19 का, ये 75.91 का है ना। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द रेट एट व्हिच वन करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर अदर। मतलब मुझे 75.91 रुपी देने पड़ेंगे अगर मुझे 1 डॉलर लेना, तो दैट इज एक्सचेंज रेट। यूनिफाइड करेंसी सिस्टम की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट करेंसी को अबैंडन कर दिया गया है, कुछ और करेंसी अडॉप्ट नहीं की जाएगी। ऐसा ही इंडिया में है क्योंकि इंडिया में रुपी है, ठीक है। सो अडॉप्शन ऑफ यूरो बाय द यूरोपियन कंट्री, अडॉप्शन ऑफ डॉलर बाय द ओरिजिन चाइना, या अडॉप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट करेंसी को खत्म कर देना और किसी और करेंसी को अडॉप्ट करना, उसको यूनिफाइड करेंसी सिस्टम बोलते हैं। हमारे इंडिया में नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया की अपनी करेंसी है, दैट इज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड की अगर हम बात करें, बना कब था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रखा करो। कितनी भी स्कीम्स हो ना, कब बनी, किसने लॉन्च करी, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। एनआईएफ जो है ना वो 3rd of November 2005 में बना। इट इज लॉन्च्ड इन और कॉन्स्टिट्यूटेड इन 3rd of November 2005। इसमें क्या है कि किस तरह से पीएसयूज यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। डिस इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस होती है सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की या पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो गवर्नमेंट के अंडर होती है उसके इक्विटी शेयर्स को सेल करते हैं, तो उसकी चैनलाइजेशन किस तरह से करनी है, जो वहां से पैसे आते हैं उसके लिए बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। अब नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के रिलेशन में कौन सी चीज ठीक है? दीज फंड्स आर यूज्ड फॉर सिलेक्टेड सेंट्रल सोशल वेलफेयर स्कीम्स, नो। दीज फंड आर कैप्ड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नो। इट्स पर्पस इज टू रिसीव द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स थ्रू द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द महात्मा गांधी वाटरमार्क बैंक नोट सीरीज इंट्रोड्यूस। 1996, मुझे तो भाई हमेशा याद रहता है 1996, महात्मा गांधी वाटरमार्क बैंक नोट सीरीज जो है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी? इन द ईयर 1996। अब ये ध्यान से देखना, ये 2000 रुपीज का नोट है ना, यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखना। ये जो लेवेंस है, दीज आर द, ये जो लाइन्स है, 7 एंगुलर ग्रिड लाइन्स ऑन द रेस्ट प्रिंट। ये महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट है, इसके ऊपर आरबीआई लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी विद आरबीआई रिटन ऑन हिज स्पेक्टेकल विच कैन बी रेड ओनली यूजिंग द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास से सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हो, इनके चश्मे पे आरबीआई लिखा गया है। नेक्स्ट इज ये जो ग्रीन आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, दिस इज द कलर शिफ्टिंग सिक्योरिटी थ्रेड विद द इंस्क्रिप्शन भारत। इसके ऊपर क्या लिखा गया है? भारत, BHARAT, भारत। नेक्स्ट इज ये जो रेक्टेंगल है, दैट इज 2000 लिखा है, ₹2000 के, ये 2000 रुपए का नोट है। अब जो ये वाला पॉइंटर है, ये जो स्पेस है, इसके थ्रू क्या देखा जा सकता है? रजिस्टर विच विल शो द अप नंबर 2000 व्हेन द नोट इज हेल्ड अगेंस्ट लाइट। इसमें भी 2000 दिखेगा। लेटेंट इमेज ऑफ द नंबर 2000 से 2000 ये 45 डिग्रीज पे दिखेगा। वाटरमार्क्स ऑफ द महात्मा गांधी एंड इलेक्ट्रोटाइप न्यूमरल ऑफ 2000 एंड द न्यूमरल्स ग्रोइंग फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ठीक है, यहाँ पे भी है। सो ये एक तरह के सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो सही स्टेटमेंट्स क्या, 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुई है इंडिया में। फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डन इन 1978। द 1000 एंड 10000 रुपीस बैंक नोट वर द वंस दैट वर डिमोनेटाइज्ड, बोथ ए एंड बी एंड ए नॉट बी। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे 1000 रुपए के नोट पहले थे, सबने डिमोनेटाइजेशन विटनेस करा, ठीक है, आज की जनरेशन में तो सबने करा। 1000 रुपए का नोट बंद हो गया, अब ये किसी काम नहीं आता। 5000 का नोट आ गया, 2000 का नोट आ गया। अब हमने सही डिमोनेटाइजेशन की बात करनी है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि पहले डिमोनेटाइजेशन 1978 में हुई थी, 1978 में।
अब ये ध्यान से देखना, ऑन नवंबर 2016 इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे पहले 19th जीत हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डीमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 एंड 1000 नोट्स, क्योंकि 500 के नोट नहीं आगे। ऑल्सो अनाउंस द इशुएंस ऑफ न्यू 500 एंड 2000 बैंक नोट्स। बिल्कुल, डीमोनेटाइजेशन दो बार हुई है इंडिपेंडेंट इंडिया की से पहले, डिपेंडेंट इंडिया के 1946 में, इंडिपेंडेंट इंडिया के 1978 में। पहला जो बैन था ना, उसमें 1000 रुपए और 10000 रुपए के नोट्स को खत्म कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे मेरा आंसर ए लगाया, क्योंकि उस टाइम पे ये बैन जो लगा था, ये 1946 में लगा था। तो इतना ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि 1000 और 10000 के नोट जो होते हैं, करेंसी नोट्स, वो बहुत बड़ी हाई डिनोमिनेशन के होते हैं, और उस टाइम पे तो आपको वैसे पता, रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो इतना खास फर्क लोगों को पड़ा नहीं। नेक्स्ट इज FDI, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन NBFCs, यानी NBFCs इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज अंडर द ऑटोमेटिक रूल प्रोवाइडेड एंड रेगुलेटेड बाय NBFC में प्रदान किए गए स्वचालित मार्ग के तहत FDI की अनुमति है, और इसको किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? सेबी, RBI, RDI या एनी ऑफ द अबव। ये कोई भी कर सकता है, सीबी भी कर सकता है, आईआरडीए भी कर सकता है, और आरबीआई भी कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये ध्यान से देखना, एफडीए के दो रूट्स होते हैं, एक होता है अप्रूवल लेने वाला, और एक होता है जिसमें अप्रूवल नहीं लेना। तो ऑटोमेटिक रूट में मर्चेंट बैंकिंग, अंडरराइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, वेंचर कैपिटल, कस्टोडियन सर्विसेज, फैक्टरिंग, लीजिंग, हाउसिंग फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड बिजनेस, माइक्रो क्रेडिट, रूरल क्रेडिट, ये सारे ऑटोमेटिक रूट के अंडर है। नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज है इनमें से एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड मनी चार्जिंग बिजनेस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें जो आती है, दैट इज नबार्ड, सिडबी, नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एंड NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। NBFCs की अगर हम बात करें तो NBFCs सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट अदर एफसीज है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आती है, प्राइमरी डीलर्स में बैंक भी है, स्टैंड अलोन भी है। नाउ फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू 50 बैंक नोट्स। 50 रुपए का जो नया नोट आया है ना, इस तरह का दिखता है, इसके रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। इट विल हैव मोटिव ऑफ रेड फोर्ट ऑन द रिवर्स, इसके रिवर्स पे रेड फोर्ट बना हुआ, लाल किला बना हुआ है, या इट विल बी मैजेंटा इन कलर। क्या ये कलर मैजेंटा नहीं? साइज ऑफ द न्यू नोट इज 66 mm इनटू 166। ये मैजेंटा कलर नहीं है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, राइट आंसर इज इट हैज द रेड फोर्ट ऑन द रिवर्स। रिवर्स पे इसके क्या है? रेड फोर्ट है। नेक्स्ट वन इज आरबीआई गवर्नर ने 16 अप्रैल 2019 को नया नोट इशू किया है 50 रुपीज का, और इस पे सिग्नेचर है गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर, प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी के। रजिस्टर्ड डिनोमिनेशनल न्यूमरल है 50, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, देवनागरी यानी हिंदी। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द नोट पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी इज देयर, माइक्रो लेटर्स आरबीआई भारत, हिंदी, इंडिया 50, ये सब मेंशन किया गया है, एंड विंडो डी मेटलाइज सिक्योरिटी थ्रेड भी इस पर इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि फेक करेंसी ना छप पाए। यहाँ पे एम्बलम राइट साइड पे है महात्मा गांधी जी के, एंड ऑन द राइट साइड अशोक पिल्लर इज देयर। न्यू 50 रुपीज नोट के बैक साइड फीचर्स क्या है? देखो, इसका राइट आंसर है 500 के बैंक नोट के पीछे रेड फोर्ट है, 50 के बैंक नोट के पीछे जो है वो रेड फोर्ट नहीं है, ये 500 रुपीज के पीछे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखना, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नोट ईयर प्रिंटिंग ऑफ द नोट इज गिवन, देयर इज आल्सो स्वच्छ भारत लोगो, लैंग्वेज पैलेट इज आल्सो देयर, एंड मोटिव ऑफ हम्पी विद चैरियट इज देयर। तो डिनोमिनेशनल न्यूमरल ऑफ 50 इज इन द स्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीआरएसआई? SERSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है, रजिस्ट्री है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन है, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ व्हाट इज CERSAI? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ एनकम्बरेंसेस अवेलेबल 24/7। ठीक है, इसका वेबसाइट है www.cersai.org.in। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीज जो है वो अवेलेबल रहती है, जितनी भी मोर्टगेजेस होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रिक फॉर्म में वो अवेलेबल रहती है CERSAI के ऊपर। ठीक है, इसको किन रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? कमेटी ऑफ बैंकर्स अंडर द एजेस ऑफ IBA।
Indian Banks Association. Next is choose the incorrect statements regarding IRDAI. Insurance Regulatory Development Authority of India 1999 में 2000 में functions start हो गई. गलत statement इसके लिए क्या? It is a statutory body. क्या ये एक legal body है? It opened up the insurance industry for the first time in the year 2005. Yeah, it was constituted on the recommendations of the Malhotra Committee. गलत तो ये है कि ये 2005 में काम शुरू. Statutory body है क्योंकि इसका अपना act है IRDA 1999. और मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ही है. नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन पे बैंकिंग रिफॉर्म्स है, मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे इंश्योरेंस बिजनेस है. नाउ आईआरडीए इज अ ट्रूली कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटरी एक्ट बॉडी. इसके चेयरमैन और मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और इसके जो हेड क्वार्टर्स है दैट इज इन हैदराबाद. गैस फॉर इंडिया कैंपेन aimed for. इस कैंपेन का क्या थीम है? Encouraging the natural gas as a fuel for the choice of people. Very true. Moving towards a gas-based economy. Very true. Increase the share of gas in the country's energy basket from the present to 10%. ऐसा कुछ नहीं है. Right answer is option number D. अब ये आंसर देख लेते हैं. Gas for India is a unified cross-country multimedia multi-event campaign. Communicate the national, social, and economic and ecological benefits of natural gas. तो इसका main जो dealing की गई है वो किसमें की गई है? Natural gas में. To choice as a fuel of choice to the every citizen. Clear? Social engagement इसमें बहुत ज़्यादा है. तीन नई terminal set की गई हैं. Three new terminals. वो terminals हैं LNG के liquefied natural gas के. Country में तीन नए terminals इसके आएंगे. और coal bed में तीन हो गया. Bio CNG हो गया and bio PNG हो गया. इसको भी promote किया जा रहा है. The SS Mundra Special Task Force was formed. किस purpose के लिए इसको बनाया गया था? RBI ने बनाया था. The RBI has constituted the SS Mundra Special Task Force. किस purpose के लिए? For the recalibration of automated teller machines and to dispense the new denomination notes. तो Special Task Force के जो head थे वो SS Mundra जी थे और वो Deputy Governor है RBI के. तो what is the right answer? Right answer is speed up the process of the recalibration of ATMs. Right answer is option number A. Which of the following is the first asset reconstruction company of India? India की सबसे पहली asset reconstruction company है ARCIL. ARCIL Company India Limited. Asset Reconstruction Company India Limited. ARCIL. बड़ी आसानी से नाम याद हो जाता है. तो right answer is option number A. इसको बनाया गया था 2002 में और सबसे बड़ी asset reconstruction company भी है. 780 billion के non-performing assets के केस इन्होंने अभी तक जो है वो resolve किए हुए हैं. अब IRCIL की जो स्पॉन्सरशिप है वो किन के द्वारा होती है? SBI के द्वारा होती है, IDBI के द्वारा होती है, PNB के द्वारा होती है. ठीक है. और ये IBA का मेंबर भी है, यानी इंडियन बैंकर एसोसिएशन का मेंबर भी है, एसोसिएट मेंबर. PPF has a maturity period of. PPF की अगर हम बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो कब तक है? इसका मेच्योरिटी पीरियड है 15 ईयर्स तक. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स. नेक्स्ट इज ध्यान से देखना. Whether PF tenure is 15 years or more, you open a PPF account 1st April 25 को आपने खोला. साल खत्म होते 31 मार्च 2026 को. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअल टेन्योर स्टार्ट होगा 2016 वाला. तो 2031 में आपका PPF जो है वो मैच्योर हो जाए. When of the which of the following is not regulated by SEBI? SEBI के द्वारा क्या regulate नहीं किया जाता? Chit funds, venture capital funds, stock broking companies. Chit fund नहीं किए जाते. Chit fund क्या होता है? Chit fund एक kind of savings scheme है. इसमें savings भी accept किया जाता है और invest किया जाता है. बहुत ज़्यादा risky होती है chit fund securities. Venture capital में एक option given था. ये होता है कि जो small business houses हैं जिनमें growth potential है, उनको हमने नया venture start करने के लिए capital provide करनी है, financing देनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द दिल्ली रेड फोर्ट इज ऑन द रिवर्स ऑफ 500 रुपीस बैंक नोट. ठीक है, ये हमने पहले भी करा. बी ऑप्शन इज राइट आंसर. व्हिच इंडियन कंपनी इज द फर्स्ट टू इशू द मसाला बॉन्ड्स? मसाला बॉन्ड्स जो है वो पहले किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे थे? HDFC ने. HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है. ऑगस्ट 1994 में बनी थी. इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. मसाला बॉन्ड्स होती है, आप ये ध्यान से देखते हैं. मसाला बॉन्ड्स एक तरह की ना डेट सिक्योरिटीज है. इसमें ये है कि इंडियन रुपी मतलब हमारी करेंसी में सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है जो और सेटल किया जाता है. इशू करते टाइम हमारी करेंसी में होती है, सेटल करते टाइम ये फॉरेन करेंसी में होती है. ठीक है. सो दीज आर डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज. तो दैट इज वाई इट इज सेड मतलब इंडिया में मसाले बहुत ज्यादा मशहूर होते हैं और इसका नाम मसाला बॉन्ड्स डाल दिया गया है. इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इंडियन फ्लेवर.
उनका कहना ये था कि हम सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, इंडियन रुपी में डिनोमिनेट कर रहे हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ इंडियन करेंसी फ्लेवर इन दैट. करेंसी रिस्क जो है वो इन्वेस्टर के सर पे रहता है. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेशन टू द S4E स्कीम? S4E स्कीम इज सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स स्कीम. सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स स्कीम. इट इज फुल फॉर्म इज स्टेप्स फॉर. ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया. पहला ऑप्शन इसमें है, इसमें और इसमें है. तो पेपर में ये होशियारी जरूर करनी है कि जब आपको कॉन्फिडेंटली बताना कि ये चीज गलत है, तो गलत का मतलब ये है कि आप उस पॉइंट को निकाल दोगे. इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ स्टेप्स फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स. सस्टेन S4E ये ठीक है, दिस इज राइट. ठीक है, फुल फॉर्म इसके लिखी हुई. इट्स मेन एम इज टू स्ट्रेंथन द लेंडर्स एबिलिटी टू डील विद द स्ट्रेस एसेट. बिल्कुल सही बात है. वैसे 2018 में इसको खत्म कर दिया गया स्कीम को, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस एसेट्स के केसेस इन्होंने रिजॉल्व करे थे. ओवरसीइंग कमेटी हैविंग एमिनेंट एक्सपर्ट्स विल बी सेट अप बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन. बिल्कुल ठीक है कि एक कमेटी थी, ओवरसीइंग कमेटी हैविंग एक्सपर्ट्स विल बी सेट अप बाय द इंडियन बैंक एसोसिएशन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये वाला नहीं है. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. अगर वो ये कहता है इट्स फुल फॉर्म इज सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट, तो ये राइट होता है. स्टेप्स फॉरवर्ड नहीं आना चाहिए था. ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन निकल गए, तो बचा हमारा सिर्फ सेकेंड. देखो हमारे पास जो स्कीम्स है ना, CDR कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, SDR स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, S4E सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, F25 फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग स्कीम है, और ARS एसेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. 2016 में जो कंपनसेटरी अफॉरेस्ट फंड एक्ट आया है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने सही स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है. NCEF पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है, 40% फंड्स मिलते हैं और बाकी सारे जो है वो स्टेट को जाते हैं. या पेमेंट इनटू द NCEF विल इंक्लूड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, NPV ऑफ फॉरेस्ट एंड एनी अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट्स. राइट आंसर जो है ना वो ये है कि 40% फंड जो कलेक्ट करो 60% स्टेट को नहीं जाता. फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिंजेंसी फंड, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं ना इंडिया के बजट, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इसका जाता है. अब देखना कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड बिल जो आया था ना, इसका मेन मुद्दा ये था NCEF को कॉन्स्टिट्यूट करो और SCEF करो. NCEF नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है, SCEF स्टेट कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड है. अब ये अथॉरिटीज जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को देखते हैं, बट किसके लिए? फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है, फॉरेस्ट रीजनरेट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, और ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना है. सो सेकेंड ऑप्शन गलत इसलिए क्योंकि 90% जितने भी पेमेंट्स कलेक्ट होती हैं वो स्टेट फंड में जाती है, एंड 10% जो है वो नेशनल फंड में जाती है. ठीक है, वहां पे हम लोग कहते हैं 60-40 है. राइट आंसर इज 90-10, 90 स्टेट को जाता है और 10 नेशनल को जाता है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द कमेटी एडेड बाय द TSR सुब्रमण्यम. आप सबने नाम सुना होगा सुब्रमण्यम सर का. ये कमेटी जो है ये किससे रिलेटेड थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड थी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता होता है, कब अनाउंस की गई थी? 2020. किसके लिए है? कि GDP का मेजर शेयर जो है वो हम एजुकेशन सेक्टर में लगाएं. मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अभी मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रख दिया गया है साथ में उसको. राइट टू एजुकेशन जो है वो क्लास 12 तक रहेगा, 12 to 18 ईयर्स के एज ऑफ स्टूडेंट्स तक प्रमोट किया जाएगा, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमें 2035 तक कितनी करनी है? 50%. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER करने का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? 50% है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ना उसमें ये 50% GER हायर एजुकेशन में हम लोग अचीव करेंगे. प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स में रहेगा 100%, 12 to 18 ईयर्स में रहेगा 50%. ठीक है, एंड कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर या वोकेशनल स्ट्रीम्स की. 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो वापस अपनी मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे. 6 क्लास से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी जाएंगी. 5+3+3+4 ये करिकुलम स्टैंडर्ड पेपर में पूछा जाता है. आप कोई भी पेपर दे रहे हो ना गवर्नमेंट का, तो ये करिकुलम स्टैंडर्ड करिकुलम फ्रेमवर्क का पूछा जाएगा. दिस इज 5+3+3+4. इफ द RBI इंक्रीजेस CRR, अगर RBI कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दे तो क्या पॉसिबल रीजन है उसको इंक्रीज करने का? अगर RBI CRR बढ़ाता है तो क्या रीजन हो सकता है? देखो CRR का मतलब क्या है? रिजर्व टू बी कैप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स
विद आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के साथ जितने भी रिजर्व्स बनाने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स डिपॉजिट चले जाएंगे आरबीआई के पास, क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा कम, और क्रेडिट क्रिएशन अगर हमारा कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन में है तो इसका मतलब सीआरआर को इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जब भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर आप कोई भी एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो ना या सॉल्व करते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसके साथ थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो रखा करो। थैंक यू।